हरप्रीत ब्रदर्स की पुस्तकों में रोजनामचे की प्रविष्टियां कीजिए। 1000 रुपए जिनका भुगतान रोहित को करना था अब डूबत ऋण है। 2000 रुपए मूल्य के माल का उपयोग स्वामी ने अपने लिए किया। 30000 रुपए की मशीन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 माह के लिए मूल्यह्रास की गणना की प्रविष्टि करें। 150000 रुपए की पूंजी पर 6% की दर से 9 महीने के ब्याज की गणना की प्रविष्टि करें। राहुल जिस पर 2000 रुपए बकाया थे दिवालिया हो गया और उसे केवल 60 पैसे ही प्राप्त हुए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी पहली जो जनरल एंट्री है उसमें हमको 1000 रुपए का भुगतान रोहित को करना था, लेकिन अब वो डूबत ऋण हो गया। रोहित हमको 1000 रुपए देता लेकिन अब वो हमको नहीं मिलेगा, हमको हानि हो गई, वो पैसे हमारे डूब गए। तो जैसे कि हमने गोल्डन रूल में देखा कि जो पैसे डूब जाते हैं, जो हानि है हमारे लिए, हानि हमेशा डेबिट होती है। तो यहाँ पर हानि का जो नाम है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हानि है वो है बैड डेट्स, डूबत ऋण। और कौन से पैसे हमारे डूबे जिनको कि हमने डेटर्स मान के अपने संपत्ति साइड में लिखा था कि भविष्य में वो पैसे हमको रिसीव होंगे, वो पैसे हमारे डूब गए। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित एक डेटर्स था और अब उस डेटर से पैसे हमको रिसीव नहीं होंगे। Being amount due from Rohit become bad debts. 1000 से इसकी एंट्री यहाँ पर होगी। दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2000 रुपए मूल्य के माल का उपयोग स्वामी ने अपने लिए कर लिया, यानी कि पर्सनल यूज के लिए कर लिया। अब क्योंकि वो पर्सनल यूज करता है 2000 रुपए के माल का, तो ये आहरण है, ड्रॉइंग है। तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। टू परचेस अकाउंट हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि उसने कैश विड्रॉल नहीं किया बल्कि गुड्स विड्रॉल किया है, इसलिए हमने यहाँ पर टू परचेस अकाउंट लिखा है। और नरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, स्वामी ने स्वयं के लिए माल का आहरण किया। और 2000 से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। तीसरी जो एंट्री है वहां पर हम देखते हैं कि 30000 की एक मशीन है, उस पर 10% पर एनम से 2 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 30000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 करेंगे, तो ये जो डेप्रिसिएशन आएगा वो हमारा 500 आ जाएगा। और क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है और अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल लॉस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और ये जो लॉस है ये किसमें से माइनस हो रहा है, मशीनरी पे ये डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में टू मशीनरी लिखेंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी फॉर 2 मंथ्स, मशीन पर 2 माह के लिए मूल्यह्रास लगाया गया। उसके बाद अब देखते हैं कि 1,50,000 की एक कैपिटल थी जिसपे 6% पर एनम से 9 मंथ का जो इंटरेस्ट है उसकी हमको यहाँ पर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम 1,50,000 की 6% 9 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 1,50,000 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, तो ये हमको 6,750 जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको प्राप्त हो जाएगा। और क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये दे है, हमको देना है कैपिटल पे जो साझेदारों ने पूंजी लगाई है, जो जिन लोगों ने पूंजी लगाई है उस पर हमको ये ब्याज देना है, तो इसलिए इसको हम डेबिट में लिखेंगे। व्यय है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% ड्यू फॉर 9 मंथ्स, 6,750। उसके बाद हम देख रहे हैं कि राहुल जिस पर 2000 रुपए बकाया थे वो दिवालिया हो गया, अब उससे केवल 60 पैसे ही प्राप्त हुए। बहुत सावधानी से हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, और उससे 1 रुपए के पीछे 60 पैसे ही प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 रुपए प्राप्त ना होकर 60 पैसे प्राप्त हुए, मतलब 100 पैसे की जगह 60 पैसे प्राप्त होना, जिसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि 60% पैसे हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। 60% 2000 मिलना था लेकिन केवल 2000 का 60% ही हम वसूल कर पाए, बाकी जो पैसे थे वो हमारे डूब गए। तो दो यहाँ पर मिश्रित एंट्री हम कंबाइंड एंट्री करेंगे, जिसमें हमने प्राप्त जो पैसा किया है उसकी भी एंट्री करेंगे और जो डूब गया उसकी भी एंट्री करेंगे। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राहुल दिवालिया हो गया,
इसलिए जो बैलेंस अमाउंट है उसको हम डूबत ऋण मान लेंगे। अदरवाइज कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि वो राशि फिर अभी तक हमारे डेटर्स में बची हुई है और भविष्य में हमको वो प्राप्त होगी, लेकिन जहां पर दिवालिया शब्द का प्रयोग कर लिया गया है तो हम ये मान लेंगे कि अब वो राशि हमको प्राप्त नहीं होगी और अब उस राशि को हमको डूबत ऋण में डाल देना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2000 रुपए में 60% हमको रिसीव हुए, मतलब 2000 का 60% 1200 रुपए हमको रिसीव हुआ, और 2000 में से 1200 रिसीव होने के बाद जो 800 बचता है अब वो डूब गया। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1200 से, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 800 से, और टू राहुल जो कि डेटर्स था टोटल 2000 से। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राहुल 60 पैसे इन रुपीज एंड रेस्ट अमाउंट कंसीडर्ड एज बैड डेब्ट। राहुल एक जो देनदार था उससे 1 रुपए के पीछे 60 पैसे की दर से प्राप्त हुए और अतिरिक्त राशि को डूबत ऋण माना गया। इस प्रकार हम इसके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल 12,250 करके क्लोज कर देंगे। निम्न व्यवहारों के लिए जनरल प्रविष्टियां दीजिए। 500 रुपए के एक ऋणी से 1 रुपए में 75 पैसे प्राप्त हुए। 200 रुपए का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। मालिक ने निजी उपयोग के लिए 100 रुपए का माल निकाला। 15 रुपए कटौती दी। नेटवर्क से कमीशन प्राप्त हुए 75 रुपए। बैंक ने अनुषांगिक व्यय के लगाए 10 रुपए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंट्री हमारी जो थी उसमें हमको जो पैसे मिल रहे हैं वो 500 रुपए के एक ऋणी से 1 रुपए में 75 पैसे की दर से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1 रुपए में टोटल 100 पैसे होते हैं और 75 पैसे मिले। कहने का मतलब ये है कि 75% राशि हमको वसूल हुई और बाकी जो 25% की जो अमाउंट है वो डूब गई। कहने का मतलब ये है कि 100 पैसे में 75 पैसे ही प्राप्त हुए, यानी कि 75% राशि जो हमको प्राप्त हुई है और बाकी जो 25% राशि है वो हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। हम ये मान लेंगे कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। यहाँ हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि डिस्काउंट हमको मिलता भी है, डिस्काउंट हम देते भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं वह है हमारा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है। तो इस प्रकार 500 का 75% हमको मिला है, यानी कि 500 का 75% 375 रुपीज हमको मिले हैं, और 500 का 25% यानी कि 125 रुपीज हमने डिस्काउंट दिया है, और टोटल 500 जो ड्यू था। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट में हम 375 लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में हम 125 लिखेंगे, और टोटल टू डेटर्स में 500 से एंट्री करेंगे। और नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर्स। सेकंड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 200 रुपए का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। ये एक प्रकार की हानि है। हमने देखा था कि कई तरह की हानियां व्यापार में होती हैं। कई बार माल चोरी हो जाता है, कई बार आग से या पानी से या किसी कई अन्य तरीकों से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सारी जो हानियां हैं वो हमेशा डेबिट साइड में आएंगी, और यहाँ पर क्योंकि 200 रुपए का माल आग से जलकर नष्ट हो गया है, हमको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हानि हो रही है वो माल की है। तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। टू परचेस हमने यहाँ पे इसलिए लिखा, यहाँ पे हम टू गुड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन टू परचेस लिखने से जब हम परचेस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे तो वहां पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई एंट्री छूटेगी नहीं, इसलिए हम यहाँ पर टू परचेस लिखते हैं। इसका एक उद्देश्य ये भी हो सकता है कि हमने जो परचेस किया है उसमें से ये गुड्स जो कि डिस्ट्रॉय हो गया वो कम हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस बीइंग गुड्स बर्न बाय फायर 200 से हम इसकी एंट्री करेंगे। थर्ड जो एंट्री है वो है मालिक ने निजी उपयोग के लिए 100 रुपए निकाला। क्योंकि स्पष्ट रूप से दिया गया है कि निजी उपयोग के लिए यानी कि पर्सनल यूज के लिए उसने निकाला है, और दूसरी बात जब विड्रॉल वाली बात आती है पर्सनल यूज के लिए तो हमको बहुत ध्यान देना है इस बात को कि उसने गुड्स विड्रॉल किया है कि कैश विड्रॉल किया है। तो यहाँ पर क्योंकि इसने कैश विड्रॉल किया है तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्योंकि इसने गुड्स विड्रॉल किया है और वो जो विड्रॉल उसने किया है गुड्स वो परचेस किए गए
गुड्स में से कम होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू परचेस अकाउंट, बीइंग गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। 100 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि 15 रुपीज जो है वो हमने कटौती दी है, हमने डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट हम किसको देते हैं, हमको बहुत ध्यान से इसको सोचना है। डिस्काउंट हम किसको देंगे, हमारे पास दो चीजें हैं, डेटर्स और क्रेडिटर। तो डिस्काउंट हम उस व्यक्ति को देंगे जिससे हम पैसा लेंगे, जिससे हमको पैसा प्राप्त होगा, और जिससे हमको पैसा प्राप्त होगा वो हमारे लिए डेटर्स है। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। किसी व्यक्ति का अगर नाम दिया रहता है तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं और उस व्यक्ति के नाम को यहाँ पर क्रेडिट कर देते, और अगर नहीं दिया है तो हम समझ जाएंगे कि डिस्काउंट हम उस व्यक्ति को दे रहे हैं जिससे हमको कुछ पैसे लेने थे, यानी कि वो हमारा डेटर्स था। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर। तो 15 रुपीज डिस्काउंट है, ये 15 रुपीज हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है नेटवर्क से कमीशन प्राप्त हुए, क्योंकि कमीशन हमको रिसीव हो रहा है। किससे रिसीव हो रहा है, नेटवर्क से, और रिसीव हो रहा है कमीशन तो कैश हमारे पास आ रही है। अब हमको बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पर नेटवर्क जो एक व्यक्ति है उसके नाम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब हम अवास्तविक खाते की बात करते हैं, लाभ हानि की बात करते हैं, आय व्यय की बात करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि आय का नाम, इनकम का नाम क्या है, एक्सपेंस का नाम क्या है, लॉस का नाम क्या है, प्रॉफिट का नाम क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिसीव जो हुआ है उस रिसीव का नाम क्या है, कमीशन है। तो क्योंकि हमको रिसीव हुआ है, यहाँ पर पैसे आए हैं हमारे पास, इसलिए हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और कहाँ से पैसे आए हैं, कमीशन से, तो हम कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। या हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, बैंक कमीशन रिसीव फ्रॉम नेटवर्क, और 75 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि बैंक ने कुछ अनुषांगिक व्यय लगाए, बैंक चार्जेस लगाए हैं। तो क्योंकि जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो हमको अलग से कहीं पेमेंट नहीं करना होता है, बैंक में हमारा जो अकाउंट होता है उसमें से वो डिडक्ट हो जाता है, और ये क्योंकि एक प्रकार का चार्ज है, एक्सपेंस है, तो क्योंकि वो एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट होगा। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नरेशन हम यहाँ लिखेंगे बीइंग बैंक चार्जेस आर पेड, और 10 रुपीज से हम इसकी एंट्री कर देंगे। और डेबिट और क्रेडिट का हम टोटल यहाँ पर करेंगे 900 के टोटल से हम यहाँ पर इस जनरल को क्लोज कर देंगे। निम्नलिखित व्यवहारों के लिए जनरल प्रविष्टियां कीजिए। 2000 रुपए का माल व्यापार के स्वामी ने निजी उपयोग के लिए निकाले, 1000 रुपए का माल दान में दिया, महेश से 2000 लेने थे वो दिवालिया हो गया, और सरकारी प्रापक से केवल 40% की राशि ही प्राप्त हुई, 700 रुपए का माल नमूने के रूप में बांट दिया गया, 400 रुपए का माल चोरी चला गया, 500 रुपए का माल कर्मचारियों को वितरित कर दिया गया, और 300 विक्रय कर चुकाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2000 रुपए का माल जो व्यापार के स्वामी है उसने निजी उपयोग के लिए निकाला है। हमको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो विड्रॉल किया गया है ये कैश का नहीं किया गया है, गुड्स का किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, बीइंग विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, और 2000 से हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे। सेकेंड पॉइंट है 1000 रुपए का माल दान में दिया। तो चाहे हम माल दान में दें, चाहे माल चोरी चला जाए या किसी अन्य तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, हर कंडीशन में ये माल हमारे व्यापार से जा रहा है, और ये हमारा हमको हमारे जो परचेस किया हुआ जो गुड्स है उसको ये कम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, बीइंग डोनेशन गुड्स ऑफ रुपीज 1000, और 1000 से हम यहाँ पर एंट्रीज की करेंगे। थर्ड पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि महेश से हमको लेने थे 2000, लेकिन अब वो इंस्टॉलमेंट हो गया, दिवालिया हो गया, और उससे 40% ही हमको मिला। यहाँ पर हमको समझ जाना है कि 40% मिला यानी कि जो बचा हुआ 60% है वो अब नहीं मिलेगा, वो अब डूब जाएगा, उसको हमको बैड डेब्ट्स मान लेना है। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने 40% कैश रिसीव किया है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि 60% के हमारे बैड डेब्ट्स बन रहे हैं, और टू महेश। यहाँ कैश में हम 2000 का 40% यानी कि 800 लिखेंगे,
बैड डेब्ट्स यानी कि 60% जो डूब गए बैड डेब्ट्स हो गए, यानी 1200 लिखेंगे, 2000 का 60% 1200, और टोटल जो ड्यू अमाउंट थी वो थी 2000, तो टू बहेश यहाँ पर क्रेडिट में हम 2000 लिखेंगे, और नरेशन हम इसका लिख देंगे बीइंग 40% अमाउंट रिसीव फ्रॉम महेश। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 700 रुपए का माल मुफ्त नमूने के रूप में बांटा गया, सैंपल के रूप में। कई बार जो सेल्समैन होते हैं वो अपने ग्राहकों को कुछ सैंपल देते हैं, तो जब भी सैंपल के रूप में ये गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास जो परचेस किया गया गुड्स रहता है वो कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर, क्योंकि जब हम स्पेसिमेन या सैंपल जब हम बांटते हैं तो वो एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट कहलाता है, इसलिए हम यहाँ पर जर्नल एंट्री करते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 700 से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 400 रुपए का माल चोरी हो गया। अब क्योंकि ये चोरी से हानि है और सभी प्रकार की हानियां डेबिट होती है, और क्योंकि माल चोरी हुआ है यानी कि फिर यहाँ पे यही काम हो रहा है कि हमारे पास हमने जो परचेस किया था माल वो फिर से कम हो गया, और कम हो गया इसलिए हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बीइंग स्टोलन ऑफ गुड्स 400। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं 500 रुपए का माल कर्मचारियों को वितरित कर दिया गया। कई बार जो ऑनर होते हैं वो अपने कर्मचारियों को कुछ फ्री गुड्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसको हम बोनस मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे बोनस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्योंकि जो हमारे पास रखा हुआ जो गुड्स था परचेस किया हुआ उसमें से ही ये गुड्स निकाल के बांटा जा रहा है, तो वही परचेस वाला गुड्स यहाँ पर कम होगा, इसलिए हमारी जनरल एंट्री होगी बोनस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बीइंग गुड्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉइज 500। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 300 जो है वो सेल टैक्स चुकाया गया है, विक्रय का चुकाया गया है। अब क्योंकि सेल टैक्स पे किया है हमने, और पे किया है यानी कि हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे, और जब हम सेल टैक्स पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगी, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी सेल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और 300 से हम इसकी एंट्री करेंगे। मेसर सुमन ब्रदर्स महासमुंद की पुस्तकों में निम्नलिखित व्यवहारों के लिए जनरल प्रविष्टियां कीजिए। मुकेश से 20% व्यापारिक बट्टे पर माल खरीदा 2 लाख रुपए, जिस पर मूल्यवर्धित कर 5% है। मनोज को माल बेचा 60,000 रुपए, जिस पर मूल्यवर्धित कर 10% है। माल नगद बेचा 1,80,000 रुपए, जिस पर मूल्यवर्धित कर 10% है। देय तिथि पर मूल्यवर्धित कर सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो 2 लाख रुपए का माल खरीदा गया उस पर 20% व्यापारिक बट्टा देना है, और साथ में मूल्यवर्धित कर भी लगेगा इस पर 5%। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, जिसमें हम 2 लाख पे 20% जब ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे और माइनस करेंगे तो टू लैख माइनस 40,000, ये हो जाएगा 1,60,000। और अब हम इस पे वैट यानी कि मूल्यवर्धित कर के कैलकुलेशन करेंगे, तो जो बची हुई राशि है 1,60,000, इस पर 5% हम वैट कैलकुलेट करेंगे, 1,60,000 का 5%, तो 8,000 यहाँ पर वैट की अमाउंट आएगी। और इसके जनरल एंट्री हम यहाँ पर करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट वैट पेड अकाउंट डेबिट टू मुकेश, और परचेस हमने देखा कि हमने 1,60,000 का गुड्स परचेस किया है, और वेट वेट पेड हमने किया है यहाँ पर 8,000, और मुकेश का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 1,68,000 से। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेस फ्रॉम मुकेश एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% वेट, क्योंकि हमने देखा था कि आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट पेबल होती है, नेट अमाउंट जिसको हम बोलते हैं, उस नेट अमाउंट पे हमको वेट कैलकुलेट करना होता है। सेकेंड हम देख रहे हैं मनोज को माल बेचा 60,000 रुपए का, जिस पर मूल्यवर्धित कर जो है वो 10% है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम जो 60,000 है उस पर 10% वैट निकाल लेंगे। 60,000 का 10% हम देखते हैं कि 6,000 जो है वो वैट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी एंट्री करेंगे मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू वैट कलेक्टेड अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हम यहाँ पे देखते हैं कि 60,000 का हमने उसको गुड सेल किया था, और प्लस इसमें 10% अगर हम वैट लगा देते हैं यानी कि 6,000 हम क्रेडिट कर देते हैं, तो टोटल 66,000 से मनोज का अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं कि माल नगद बेचा 1,80,000 का और इस पे वैट लगाना है हमको 10%। तो क्योंकि हमने माल यहाँ पर नगद बेचा है, पैसा आएगा हमारे पास, तो यहाँ हम जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू वैट कलेक्टेड अकाउंट। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1,80,000 का गुड्स हमने सेल किया है, इस पे अगर हम 10% वैट लगा देते हैं तो 1,80,000 का 10% वैट 18,000 हो जाएगा और टोटल जो कैश अमाउंट हमको रिसीव होगी वो हो जाएगी 1,98,000। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि देय तिथि पर मूल्यवर्धित कर सरकारी खजाने में जमा कर दिया। अब ये जो वैट हमने दो बार कैलकुलेट किया, एक बार 8,000 और एक बार 16,000, इसको हम जमा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू वैट पेड अकाउंट, वैट पेड एडजस्टेड अगेंस्ट वैट कलेक्टेड, 8,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और सेकेंड हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वैट पेड हमने दो बार किया है, फर्स्ट एंट्री में एक बार 8,000 और उसके बाद सेकेंड एंट्री में हमने एक बार यहाँ पर 8,000 के अमाउंट पे की है। और लास्ट में हम वैट कलेक्टेड अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए हम जनरल एंट्री करेंगे वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखते हैं कि वैट कलेक्टेड अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या आता है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा वैट कलेक्टेड अकाउंट बना लेंगे और यहाँ हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जनरल एंट्री सबसे पहले वैट कलेक्टेड अकाउंट के डेबिट साइड में हम फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेबिट साइड में टू वैट पेड अकाउंट लिखेंगे 8,000 से। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सेकेंड एंट्री में वैट कलेक्टेड अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ हम वैट कलेक्टेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मनोज और 6,000 से इसकी एंट्री करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था थर्ड, उसमें वैट कलेक्टेड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 18,000 से, तो वैट कलेक्टेड अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश और 18,000 से इसकी एंट्री करेंगे। अब जब हम इस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो टोटल क्रेडिट साइड का 24,000 आता है, जिसमें से डेबिट साइड का एक 8,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये 16,000 वैट कलेक्टेड कलेक्टेड अकाउंट का हमारा बैलेंस आ जाता है। इसकी हमने एंट्री पास की थी वैट कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 16,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। और नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ऑफ वैट कलेक्टेड अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू गवर्नमेंट अकाउंट।